प्रबंध वालों ये चौथा वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप के 300 या 400 के दरमियान अज पेशेंट ये वैक्सीन लेंगे। मैं सारे शहर निवासियों को बेनती करूँगा जिथे भी ये कैंप लगाए जा रहे हैं वध तो वध लोग वैक्सीन का फायदा लेन ता कि इस नामराद बीमारी का खात्मा किया जा सके। यह कैंप श्री बांके बिहारी सेवा समिति रजिस्टर्ड सरहंद ते सूद सभा रजिस्टर्ड सरहंद वालों ये चौथा वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है। इस दे विच तकरीबन 300 तो उपर डोज लगेगी। अभी हुण तक तकरीबन 1200 तो उपर डोज लगवा चुके हैं। मैं बेनती करदा पब्लिक दे अगे कि वह वध तो वध इंजैक्शन लगवाओ ता कि यह बीमारी का खात्मा हो सके। सूद सभा सरहंद और बांके बिहारी सेवा समिति सरहंद वालों अज यह चौथा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। पंजाब सरकार की ये जी हैगी है ये पुरजोर उपराला है कि पंजाब दे विच कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहन देना जिसकी वैक्सीनेशन ना करवाई जाए। इस करके साडे कैप्टन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साडे फतेहगढ़ साहब का खास ध्यान रखा सौ साडे इत्थे दे विधायक सरदार कुलजीत सिंह नागराज जी की अगवाई हेठ ये कैंप जिहड़ा हैगा बावन माजरे जगजीत सिंह कोकी जी के वार्ड के लग रहा है जिस दे विच तकरीबन 500 के करीब टीके लगनगे। और जिहड़ी यह महामारी फैली है इहदा एक महज इको ही इलाज है वैक्सीनेशन। मेरी हाथ बन के सारे लोगों को अपील है कि वध तो वध वैक्सीनेशन करवाओ ता कि जिहड़ी यह महामारी फैली है हिंदुस्तान दे निजात पा सकीए। धन्यवाद जी। लोग आकर के टीकाकरण करवा रहे हैं तो बहुत ही इनका अच्छा ये प्रकल्प है। सभी आम जनता को ये टीका लगवाने के लिए जागरूक करवा रहे हैं और बहुत लोग यहाँ पर आकर के टीकाकरण करवा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है मेरा कि टीकाकरण जरूर कराएं। काफ़ी कोरोना महामारी होता है पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ होता है यही हम शुभकामना करते हैं। और ये सभा जो है और ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य समाज के सारे आए साल जो मिल जाते हैं समय समय पर ये ऐसे कार्य रखते हैं। ये सब बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं।